जरा सोचो, जिस टंकी से तुम पानी पीते हो, खाना बनाते हो, उसी टंकी में एक डेड बॉडी सड़ रही हो। आज की कहानी भी कुछ इस प्रकार की ही है। लेकिन कहानी स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगन। मैं आपको बता दूं, ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत होती है एक अपार्टमेंट से। इस अपार्टमेंट में किराया काफी कम था, लेकिन फैसिलिटी काफी अच्छी और सस्ते प्राइस के कारण काफी यंग लोग यहाँ पर रहते हैं। एक रात एक सुंदर लड़की अपार्टमेंट में आती है जिसका नाम जॉयस होता है। वो अपार्टमेंट में एक किराएदार से पू के बारे में पूछती है, जिसके बाद किराएदार उसको पू के कमरे तक ले जाती है। पू कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो गूंगा होता है और दिन भर वो तेज आवाज में गाना सुनते रहता है। वो ड्रग्स बेचकर अपना घर चलाता है और जॉयस भी उसके पास ड्रग्स लेने ही आई है, लेकिन उसके पास देने के लिए पैसे नहीं होते, इसीलिए वो अपने सैंडल को गिरवी रखना चाहती थी। लेकिन पू उसके पूरे बॉडी को देखता है और इशारे में बोलता है, मुझे सैंडल नहीं चाहिए, उसके बदले में तुम मुझे कुछ और दे सकती हो, समझ रहे हो? और जॉयस मान जाती है, जिसके बाद नाउन वहाँ से चली जाती है। अब कमरे में सिर्फ दो लोग हैं। पू जॉय को पीछे मुड़ने के लिए बोलता है और जब वो पीछे मुड़ जाती है तो पू कवर से ड्रग्स निकालता है और उसको देता है। जब वो ड्रग्स को लेना चाहिए तो पू अपना हाथ पीछे कर लेता है और फिर एक डेविल स्माइल देता है, जिसके बाद जॉयस भी मुस्कुरा देती है। तभी जॉयस के पेरेंट्स का कॉल आ जाता है और वो अपने मम्मी से पैसों के बारे में बात करती है। अचानक उसके आंख से आंसू निकल आते हैं। तभी पू आकर उसके बगल में बैठ जाता है और वो देखता है कि जॉयस के आंखों में आंसू है, इसीलिए वो उसके लैप पर लेट जाता है और उसके आंख से आंसू पोंछ देता है। अगले दिन मॉर्निंग में पू अपने काम पर निकल जाता है और जॉयस पू के कमरे में कुछ खोज रही थी। वो उसके पूरे सामान को बिखेर देती है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक्वेरियम पर पड़ती है और वो पत्थरों के बीच से एक बोतल निकालती है। बोतल के अंदर ड्रग्स था। लेकिन उसी टाइम पू दरवाजा खोलकर रूम में आ जाता है। वो देखता है कि पूरे घर की वॉट लगी पड़ी है, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग्स की बोतल भी खाली थी। वो फिश टैंक की तरफ देखता है और सब कुछ समझ जाता है। फिर वो कबर्ड के पास जाता है और एक झटके में कबर्ड को खोल देता है। जॉयस वहीं पर छुपी थी। पू गुस्से में जॉयस को बाहर खींचता है और उसका गला दबा देता है। तभी वो देखता है कि जॉयस के मुंह में ड्रग्स का पैकेट है। वो जबरदस्ती प्लास्टिक को बाहर खींचना चाहा, मगर गलती से वो लड़की एक बार में पूरा ड्रग्स निगल गई और एक साथ इतना ज्यादा ड्रग्स एक पॉइजन का काम कर गया। लड़की ऑन द स्पॉट खून की उल्टी करने लग गई और कुछ ही देर में अपना दम तोड़ दी। और ये देख पू शॉक में चला गया। वो वहीं पर बॉडी के पास घंटों देर तक बैठा रहा और रात होते ही वो एक बड़े कपड़े से बॉडी को लपेटता है और उसको छत पर लेके चले जाता है। फिर वाटर टैंक का ढक्कन खोलकर जॉयस के बॉडी को टंकी में डाल देता है। और जब पू अपने रूम में आकर अपना चेहरा धोना चाहा तो वो पानी को देखकर रुक जाता है, क्योंकि उसको मालूम है पानी के अंदर डेड बॉडी है। फिर वो पानी को वहीं पर फेंक देता है और जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। और तभी उसके सर पर पानी का ड्रॉप गिरता है। जब वो आंख खोलता है तो उसको वही लड़की दिखाई देती है, मानो वो लड़की अभी अभी टंकी से बाहर निकलकर इसके पास आई हो। पू डर के कारण वहीं पर उठकर बैठ जाता है और जब वो पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अब अपना डर दूर करने के लिए ऊंची आवाज में गाना बजाकर अपने रूम में इधर उधर घूमने लग जाता है। जब वो बेड पर बैठा तो उसको फिर से जॉयस नजर आती है। इस बार वो उसको रियल जॉयस समझकर किस कर लेता है, मगर रियलिटी कुछ और ही थी। पू को बार बार जॉयस का हेलुसिनेशन हो रहा था। अपार्टमेंट के बाकी के लोगों को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी, इसीलिए वो उसी टंकी का पानी इस्तेमाल कर रहे थे। इधर पर नाउन कुल्ला कर रही थी, तभी उसके मुंह में एक बाल आ जाता है जिसको देख उसको घिन आ गई और वो उस बाल को लेकर सीधे लैंडलॉर्ड के पास जाती है। लैंडलॉर्ड उसे पूछती है कि क्या ये तुम्हारी बाल है, जिसके जवाब में नाउन गुस्से में बोलती है, नहीं ये मेरी बाल नहीं है, तुम्हारे टंकी का पानी गंदा हो गया है और ये बाल उसी टंकी से आया है। ये सुनने के बाद लैंडलॉर्ड फिर से बोलती है, ये तुम्हारा ही बाल है, तुम ही अपना पाइप साफ नहीं करती, तुम्हारे अलावा भी इस अपार्टमेंट में कई किराएदार हैं जो कि उसी टैंक का पानी पीते हैं, उन लोगों ने तो कभी शिकायत नहीं की, इतने सस्ते प्राइस में तुमको घर मिल गया है, कम से कम अपना पाइप तो साफ कर लो। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। यहाँ पर ये औरत अपने कपड़े धो रही थी। वो अपना पूरा डिटर्जेंट खत्म कर दी, लेकिन उसके कपड़े से स्मेल नहीं गया। अरे कोई बताओ आंटी को, प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं पानी में है। ये फैमिली उसी पानी का इस्तेमाल कर अपना खाना बना लिए और वो खाना खाते टाइम टीवी देख रहे थे। अगर वो प्लेट में देखते तो उनको सड़ी हुई उंगली दिखती। यहाँ पर जब ये लड़का नहा रहा था तो उसके शरीर पर लंबे बाल गिर जाते हैं। इस अपार्टमेंट में तो पानी की कंडीशन कुछ ज्यादा खराब है। अगली सुबह नाउन ब्रश कर रही थी और इस बार उसके मुंह में एक सड़ी हुई चमड़ी आ जाती है। उसको देख वो उल्टी कर देती है और इस बार वो एक ग्लास में गंदे टंकी का पानी भरकर लैंडलॉर्ड के पास ले जाती है और वो इस बार गंदे पानी को दिखाकर लैंडलॉर्ड को फिर से कंप्लेन करती है। लैंडलॉर्ड बोलती है कि अब इसमें क्या प्रॉब्लम है। नाउन ग्लास का पानी दिखाते हुए बोलती है कि देखो ये कितना गंदा है। लैंडलॉर्ड भी एक नंबर की ढीठ थी, वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसका टंकी का पानी गंदा है। तभी नाउन बोलती है, ठीक है तुम इस पानी को पी लो, मैं हार मान जाऊंगी। और कसम से लैंडलॉर्ड उस पानी को पी लेती है, जिसके बाद नाउन हार मानकर वहां से चली जाती है। नाउन के जाते ही लैंडलॉर्ड के फेस पर 12 भर जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। अब नाउन अपना डाउट क्लियर करने के लिए अपने पड़ोसी के रूम में जाती है, जहां पर कुछ लड़के ड्रिंक्स कर रहे थे। नाउन सभी से पूछती है, क्या तुम लोगों को यहाँ का पानी गंदा लगता है। जिम कॉन्फिडेंटली बोलता है, हमारा पानी तो सही है, हम तो इसी पानी को मिलाकर दारू भी पीते हैं। क्यों तुम्हारा पानी गंदा है क्या। जिसके बाद नाउन बोलती है, हाँ मेरा पानी गंदा है, उससे बहुत गंदा स्मेल आता है और कई बार तो मेरे पानी में कुछ बॉडी पार्ट्स भी मिल जाते हैं। जिम फिर से बोलता है, हाँ तुम्हारा पानी गंदा हो सकता है, वैसे हमारा पानी अच्छा है, तुम चाहो तो चेक कर लो। और दोनों बाथरूम में चले जाते हैं। जिम अपने विस्की के ग्लास में पानी भरता है और उसको पीने लगता है। तभी उसके मुंह में एक नाखून आ जाता है, जिसको देख उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है और नीचे गिरकर टूट जाता है। और वे देखते हैं कि ग्लास में एक सड़ी हुई उंगली है। पानी
का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए चेक करने के लिए सभी छत के ऊपर जाते हैं और अचानक वाटर टैंक का ढक्कन अपने आप खुल जाता है, जिसको देख सभी वापस नीचे भाग आते हैं। नाउन अपने रूम में आकर उन सभी चीजों को बंद कर देती है जिस किसी से भी पानी निकलता है, और जब अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखती है सभी लड़के अपार्टमेंट छोड़कर बाहर जा रहे हैं। नाउन उन सभी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी नहीं रुका। पू अपने रूम में ही रहता है। जब से उसने जॉयस का मर्डर किया है तब से उसको चारों तरफ जॉयस ही दिखती है। इस बार जब वो पानी को पीना चाहा तो अचानक पानी का रंग लाल हो जाता है। पू फिर से डरकर वॉशरूम के बाहर भागता है। सिंक अपने आप लाल रंग से भर जाता है और रंग ओवरफ्लो होकर बाथरूम के बाहर आ जाता है। देखते ही देखते पूरे घर में लाल रंग फैल जाता है। जब पू कबर्ड को खोलता है तो कबर्ड के अंदर जॉयस बैठी हुई थी और वो अपनी सड़ी हुई हाथ पू की तरफ बढ़ाती है। पू बुरी तरह डर चुका था और वो जॉयस का हेलुसिनेशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब वो जॉयस की लाश को टंकी से बाहर निकालकर बाहर फेंकने की सोच लेता है। वो कबर्ड से एक बड़ा कपड़ा निकालता है और टंकी के पास जाने लगा। रास्ते में नाउन उसको देख लेती है और वो भी उसके पीछे पीछे छत पर आ जाती है। जब पू ढक्कन हटाया तो उसके अंदर से जॉयस की लाश उसको घूर रही थी। नाउन को लगा कि पू भी चेक करने आया है कि टंकी का पानी गंदा क्यों है। उसको डेड बॉडी की भनक तक नहीं थी। वो पू से पूछती है कि टंकी में क्या है लेकिन पू कोई जवाब नहीं देता, इसीलिए नाउन खुद चेक करने के लिए ऊपर चढ़ जाती है। वो पानी के अंदर एक लाश को देखकर डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, और तभी पू पीछे से उसको टंकी के अंदर धक्का दे देता है जिससे नाउन पानी के अंदर गिर जाती है। और जब वो बाहर आने की कोशिश करती है तो पू उसको जबरदस्ती दबाकर मारने की कोशिश करता है, और तभी जॉयस की आंख खुल जाती है जिसके बाद वो पू को पानी के अंदर खींच लेती है और उसका गला दबाने लग जाती है। और तब तक नाउन पानी से बाहर निकल जाती है और टंकी में जॉयस पू का गला दबाकर उसको मार देती है। इधर पर जिम और उसके दोस्त डिनर कर रहे थे, तभी वे देखते हैं कि एम्बुलेंस उनके अपार्टमेंट की तरफ जा रही है और वे भी पीछा करते हुए अपार्टमेंट में आ जाते हैं। दोनों डेड बॉडी को वाटर टैंक से बाहर निकाला गया। डेड बॉडी को देख लैंडलॉर्ड की हालत खराब हो जाती है और वो वहीं पर उल्टी करने लग गई। जिम आकर नाउन को गले से लगा लेता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।